जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशय शुक्ला और माय इंडिया माय डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्सी सेंटर बिजनेस का। टैक्सी सेंटर बिजनेस ये वो है कि जो आप लगभग लगभग ना के बराबर इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे डेवलप करके आप उसे बहुत ही सक्सेसफुल लेवल तक पहुँचा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस टैक्सी सेंटर बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू में हम देखेंगे कि बिना इन्वेस्टमेंट, मैं बिना इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन लोएस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ में आप इस बिजनेस को शुरू कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों लगेगी एक जगह, मेन मार्केट में या कह लीजिए कि आउटर एरिया में भी आप ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटे सी शॉप की ज़रूरत होगी जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जा सके। ऐसे जगह को आप या तो खरीद सकते हैं, अगर आप खरीद नहीं पा रहे हैं तो आप उसे रेंट पर भी ले सकते हैं। ऐसी जगह लगभग छोटी सी शॉप होती है वो 1000 से 2000, बड़ी सिटी है तो 3 से 4 हज़ार रुपये पर मंथ में आपको भाड़े से मिल जाएगी। ऐसे जगह आप अपना अगर कोई शॉप खोलते हो और वहाँ पे कोई भी नाम से आप टैक्सी सेंटर चलाते हो तो स्टार्ट में आपको कोई भी गाड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस करना ये होगा कि आपके कॉन्टैक्ट से कुछ गाड़ी वाले लोग जो अपनी गाड़ियाँ भाड़े से देना चाहते हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी होगी। और साथ ही साथ आपको कुछ आपके जो मोबाइल कॉन्टैक्ट्स है उसमें आपको आपकी एक ऐड करनी होगी जिससे लोगों को पता चले कि आपको आपने ये टैक्सी सेंटर का बिजनेस ओपन किया है। धीरे धीरे आपको बढ़ाते बढ़ाते कस्टमर्स बढ़ाने हैं। तो ऐसे में होगा ये कि आपको जो आपके कस्टमर्स हैं उनसे अगर उनको कहीं जाना है, कहीं कोई टूर करना है तो उन्हें वो रेट्स देने होंगे। और साथ ही साथ आपको दूसरी तरफ इधर पे जो जो लोग टैक्सी अपनी भाड़े से देना चाहते हैं, अपनी कार भाड़े से देना चाहते हैं, ऐसे लोगों का आपको आपके बिजनेस में शामिल करना होगा। यानी ये काम हो गया एक तरीके के एजेंट का। लेकिन इस एजेंटशिप में भी आपको 10 to 20% का आपको फ़ायदा होता है। ये आपको तय करना होगा कि वो टैक्सी जो है जो भाड़े से दे रहे हैं उनके साथ आपको ये डील पक्की करनी होगी। एक बार आपकी डील पक्की हो जाए उसके बाद आप एक रेट रख लीजिए कि नॉन एसी है तो कितना रेट होगा, अगर एसी पे आप गाड़ी भाड़े पर दे रहे हैं तो कितना रेट होगा, ये सारे रेट्स आप तय कर लीजिए। इधर से आप कस्टमर्स को वो सर्विसेज भी प्रदान कर सकते हैं। धीरे धीरे होगा ये कि आपके पास में जो टैक्सी भाड़े से देने वाले हैं ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, इधर आपके कस्टमर्स की संख्या बढ़ती जाएगी। यानी आप बिना कोई गाड़ी खरीदे एक टैक्सी सेंटर चला सकते हैं। धीरे धीरे आपका जब बिजनेस बढ़ रहा है, आपका प्रचार हो रहा है, तो आप उसे बेसिक लेवल पर फेसबुक मार्केटिंग, उसके बाद लोकल लेवल के पेपर में मार्केटिंग, उसके बाद आप पॉम्पलेट्स जो होते हैं वो पेपर में डाल के भी भेज सकते हैं, और आपके विजिटिंग कार्ड्स जो है वो आपके कस्टमर्स तक पहुँचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप ये आपका टैक्सी सेंटर फेमस हो इसके लिए आप छोटी मोटी एड्स भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ में आप लोगों को त्यौहार है, 30 त्यौहार है, उसमें मोबाइल पर जो आपका जो जनरल मैसेजेस आते हैं उसके थ्रू आप विशिंग वीडियोज़ भी, उनको विशिंग वीडियो है या इमेजेस है, आप भेजते रहिए ताकि उनके ध्यान में रहे कि हाँ हाँ हमने इस टैक्सी सर्विस से इनको ऑर्डर बुक की थी। और आप जब उन्हें मैसेज भेजते तो उनको एक रिकॉल होता है कि हाँ हाँ अगर अरे हाँ मुझे यहाँ अगले महीने जाना है तो मैं एक बार फिर से वो टैक्सी बुक कर सकता हूँ। इस तरह से आप अपने कस्टमर्स को जोड़ सकते हैं। जब आपके पास में भरपूर पैसा आ जाए तो उसके बाद में आप कुछ बड़ी सर्विसेज भी इस बिज़नेस में स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि कई ऐसी छोटी स्कूल्स होती हैं जिन्हें बस सर्विस या
उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें पिकअप सर्विस जो है उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो आपके पास जब पैसा आ जाए तो ऐसे स्कूल से भी आप कांटेक्ट करके आपका पैसा लगा करके आप ऐसी गाड़ी खरीद लीजिए, वैसी फोर व्हीलर आप उन्हें रेगुलर बेसिस पे भाड़े पर दे सकते हो। इसके साथ साथ में कई ऐसे ऑफिस स्टाफ होता है जहाँ पे भी पिकअप की सर्विस लगती है, तो ऐसे ऑफिसेज पे भी आप कांटेक्ट करके आप ये सर्विस उन्हें भी दे सकते हो। जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं जैसे कि ट्रैवलर है, जो बसेस होती है, मिनी बसेस होती है, ऐसे भी आप करके धीरे धीरे ये बिजनेस को बढ़ा सकते हो। और आप ऑफिस स्टाफ है, स्कूल्स है, और भी ऐसे अलग अलग स्टाफ्स होते हैं जिन्हें इस तरीके के सर्विसेज की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप टूरिंग जो होता है उसके ट्रिप्स के भी आप पैकेजेस निकाल सकते हो अगर आपके पास इस टाइप की बसेस है। तो ये बसेस के साथ में आप जो टूरिंग पैकेजेस है ये सब चीज़ें हो सकती है। उसके बाद में मैरिजेस पर बसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस तरीके की भी सर्विसेज आप शुरू कर सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे। आपका बिजनेस जैसे जैसे ग्रो होता जाएगा, आप वैसे वैसे जब आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा तो आप ये सारी चीज़ें भी खरीद सकते हैं। तो फुल ऑन जब फोकस हो जाएगा, जब आपका एक बिजनेस सेटल हो जाएगा, तो ये बिजनेस से बहुत ही अच्छा इनकम जनरेट हो सकता है। लेकिन इस बिजनेस में कुछ रिस्क भी है, जैसे कि इंश्योरेंस है, क्योंकि गाड़ियां हैं, फोर व्हीलर है, जब कोई व्हीलर फोर व्हीलर जब बाहर जाती है तो एक्सीडेंट का भी खतरा होता है। तो आपको सिर्फ कोशिश ये करनी होगी कि आपके ड्राइवर्स आपकी गाड़ी बराबर चला रहे हैं या नहीं चला रहे, या वो ड्रिंक वगैरह की जो समस्या होती है उस पर आपको एक थोड़ा वॉच रखना होगा। दूसरा, आपका जो सफ़र हो रहा है उसमें पेट्रोल या डीजल बराबर भरा जा रहा है या नहीं जा रहा है, या ज़्यादा भरा जा रहा है। दूसरा, गाड़ियों का मेंटेनेंस बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ आपको ऑल ओवर साल भर का एक मेंटेनेंस का भी हिसाब किताब रखना होगा, उसके लिए भी एक अलग से अमाउंट आपको निकाल के रखनी होगी। आपकी गाड़ियों की सर्विसिंग बराबर हो रही है या नहीं हो रही है इसका भी आपको ख्याल रखना होगा जब आप कोई फोर व्हीलर या कोई बस ऐसी चीज़ें खरीदते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस बिज़नेस को सही तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको हर वक्त चौकन्ना रहना होगा कि आपका सारा जो मेंटेनेंस है, हिसाब किताब है, वो बराबर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी, एक बेसिक जानकारी टैक्सी सेंटर बिजनेस के बारे में। अभी रिसेंटली हमने कुछ वीडियोस देखे, उसमें हमें बहुत सारे मैसेजेस आए कि मे बी हमारे वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं मिल पाती है। तो मेरा दोस्तों यही कहना है कि ये जो चैनल है इसको खोलने का उद्देश्य ये था कि एक बिज़नेस आइडिया शेयर हो। मैं बिज़नेस एक्सपर्ट नहीं हूँ, अगर मेरे बिज़नेस में मेरे वीडियोज़ में मान के चलिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, फिर भी आप मैसेजेस करते तो मैं उसमें आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके जो भी रिव्यूज़ है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये जो रिव्यू था ये मिला, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं अपने वीडियोज़ में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की दे पाऊँ। और आपके जो भी कमेंट्स है, जो भी आपकी, उसको मैं हर वक्त पढ़ता हूँ और पर्सनल लेवल पर उसमें रिप्लाई देने की भी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है ज़रूर ज़रूर कमेंट कीजिए, और आपका एक लाइक से हमें और ज़्यादा हिम्मत मिलती है, तो हमें ज़रूर लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे तो और ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम।